नमस्कार दोस्तों, रियल पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीशो एप्लीकेशन में ऑर्डर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आपने भी मीशो एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो गाइज सबसे पहले आपको मीशो एप्लीकेशन को ओपन करना है। मीशो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीशो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको माय ऑर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने मीशो एप्लीकेशन पर ऑर्डर किया है और उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने जिस भी प्रोडक्ट को परचेज किया है उस प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप मीशो एप्लीकेशन में ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रीजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे रीजन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जिस भी रीजन को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस रीजन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं इस रीजन को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टेल अस मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आपको कैंसिल प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैंसिल प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीशो एप्लीकेशन में ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मीशो एप्लीकेशन में ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।